प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शंस हैं ए जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। सही जवाब है ऑप्शन सी पत्ता। दूसरा प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? ऑप्शंस हैं ए 100 मेगाग्राम, बी 20 मेगाग्राम, सी 30 मेगाग्राम, डी 40 मेगाग्राम। सही जवाब है ऑप्शन बी 20 मेगाग्राम। तीसरा प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शंस हैं ए 20%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। सही जवाब है ऑप्शन ए 20%। चौथा प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्सर्जन। पांचवा प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है? ऑप्शंस हैं ए परागण, बी निषेचन, सी विसरण, डी वाष्पोत्सर्जन। सही जवाब है ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। छठा प्रश्न है, वो प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन, डी उत्तेजनशीलता। सही जवाब है ऑप्शन ए श्वसन। सातवां प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ऑप्शंस हैं ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन, डी चलन। सही जवाब है ऑप्शन सी श्वसन। आठवां प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णील लवक में, डी श्वेत रक्त कण में। सही जवाब है ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। नौवां प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए 3 वेश्म, बी 2 वेश्म, सी 4 वेश्म, डी 5 वेश्म। सही जवाब है ऑप्शन सी 4 वेश्म। दसवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शंस हैं ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी प्रकाश। सही जवाब है ऑप्शन सी ग्लूकोज।